हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको इस मुड्डी के बारे में बताने वाला हूँ कि मुड्डी की बनाई कैसे करते हैं और कितनी रस्सी की जरूरत होती है। वो सब दोस्तों सीधे हम इस मुड्डी की बनाई कैसे करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप ये मुड्डी बना सकते हैं दोस्तों और ये स्टार बना सकते हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं आप स्टार कैसे बनेगा। ये बहुत ही कलरफुल में बनाए गए हैं। तो इस प्रकार आप भी अपनी चारपाई में कलरफुल में स्टार बना सकते हैं। और ये डोको से मुड्डी ली गई है दोस्तों, इसमें कम से कम भी 130 डोके डाले गए हैं। एक अंदर एक मोटा भीतर दोनों प्रकार से डोके डाले जाते हैं। इसमें ताना कैसे तानते हैं, ये मोड़ी कैसे बांधते हैं, इसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनाया है तो वो वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और ये कैसे बनाई जाएगी वो आप देख लीजिए। और ये ऐसा है दोस्तों, आप अपनी चारपाई में भी बना सकते हैं। ये डोको से मुड्डी जो बनाई जा रही है वो अपनी चारपाई में बना सकते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ सिक्वेंस किस प्रकार से डला है। 5 रस्सियाँ डली हैं, 5 रस्सियाँ डली हैं, 7 रस्सी का स्टार बनाया। आप चाहें तो 9 रस्सी का बना सकते हैं, 11 रस्सी का, 13 रस्सी का बना सकते हैं दोस्तों। और इसमें स्टार के साथ साथ फूल और बावड़ी भी बना सकते हैं। इसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है तो वो आप चैनल पे जाएंगे और विजिट करेंगे तो वहाँ से देखने को मिल जाएगा। मैंने चारपाई में भी आपको इसे 3 कलर में बताई है, 2 कलर में बताया है मैंने स्टार और फूल के बारे में भी और बावड़ी के बारे में बताया है। तो वो सभी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाए हैं, वो चैनल पर जाइए प्ले लिस्ट में तो आपको वीडियो मिल जाएगा वहाँ से और देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनाई जाती है। तो ये भी आप देख लीजिए ये किस प्रकार से रस्सी डाली जाती है। और ये जैसे मैं चारपाई बनाता हूँ वही रस्सी यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें नॉर्मल रस्सी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ इसकी घुंडी भी वैसे डाल रहा हूँ मैं दोस्तों, सब मजबूती बनी रहे ताकि, इसलिए मैं ये सभी बना रहा हूँ आपको। तो वो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से और ये बना सकते हैं एक तार की सहायता से। ये देखिए इसमें तार है, इस तार की सहायता से आप ये बना सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, देखिए इस प्रकार से तार लीजिए आप और इस तार की सहायता से डालिए। और ये गुंडी है वो बहुत ही मजबूती, इसमें सिंगल गुंडी और डबल गुंडी दोनों आप डाल सकते हैं। ये दोस्तों आपके ऊपर है कि सिंगल आपको डालना है या डबल डालना है, तो वो सभी आपके ऊपर है। इस प्रकार से बहुत ही अलग अलग डिजाइन की चारपाई बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये चैनल पर आपको विजिट करते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बता दूँगा ताकि आप आराम से बना सकें। इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए घुंडी की बहुत ही खास बात है दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से आप डाल दीजिए इसमें। ये देखो डल गए हमारे। और फिर इसमें 3 होती हैं टोटल्स, तो वो आपको देखने को मिलेगी। देखो इस प्रकार थोड़ा सा इसको टाइट कर दीजिए ताकि बराबर आ जाए वो, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप बना पाएंगे और सीख पाएंगे दोस्तों। यदि आपको स्टार्टिंग से सीखना है तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है इसके बारे में, डोको से मुड्डी कैसे बनाई जाती है, बड़ा मुड्डा होता है वो कैसे बनाया जाता है, तो वो विजिट करने पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें यहाँ से स्टार्ट किया था, ये 5 रस्सी मैंने उठाई, फिर 5 दबाई, फिर यहाँ पर 3 उठाई, फिर 1 दबाई, फिर 3 उठाइए, फिर ये 5 दबाई, फिर ये 5 रस्सी उठा दिए, तो ये हमने काम किया था। फिर दोस्तों यहाँ पर 1 दबाई, फिर ये 5 उठाई, फिर ये 5 दबाई, फिर ये 5 उठाइए, फिर ये 5 रस्सी दबाइए। उसके बाद में यहाँ पे 2 रस्सी दबाई है और फिर ये 5 रस्सी उठाई है, फिर ये 5 दबाकर 3 रस्सी उठाई है, फिर ये 5 दबाई और 5 रस्सी उठाई। इसी प्रकार से आपको सीक्वेंस में 3 ही कलर में आपको इसी प्रकार सीक्वेंस डालना पड़ेगा दोस्तों। देखो पहले ये आपको गोल्डन कलर डालना पड़ेगा, फिर हरा वाला, फिर ये नारंगी वाला डालना पड़ेगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो सभी आपके ऊपर कि कौन सा आपको कलर चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, तो वो देख सकते हैं। ये आप कर सकते हैं और चारपाई बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए 4 दबाकर 5 रस्सी उठाइए, फिर 5 दबाकर 1 रस्सी उठाइए, फिर ये 5 रस्सी हमने दबाई है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे और ये बना पाएंगे। तो ये मोटा मोटा आपको सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ ताकि आप भी आसानी से बना सकें। इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर 5 रस्सी दबाई और 5 उठाई, फिर ये आपको 9 रस्सी हैं वो दबाएंगे, फिर 7 रस्सी, फिर 5 रस्सी, ये यहाँ पे 9 रस्सी दबी हैं, फिर ये 7 रस्सी, फिर ये 5 रस्सी दबी, फिर यहाँ पे ये 3 रस्सी दबे, फिर 1 रस्सी दबे, इस प्रकार से सीक्वेंस हमारा चल जाएगा। तो यहाँ से स्टार शुरू होगा, पहले वाले से स्टार नहीं, आपको दूसरी वाले से हमारा ये रस्सी आप डालोगे तो ये स्टार आपका शुरू हो जाएगा। देखो और वापस देखेंगे तो एक लहरी भी आपको बनेगी, देखो ये एक सीक्वेंस बनेगा।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि लहर के साथ साथ ये सीक्वेंस का भी आपको ध्यान रखना है लहरों का। इसमें सिर्फ यहाँ पे रस्सी कम ज़्यादा होंगी, बीच में आपको पांच दबानी पांच उठानी है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार एक दबाएंगे, फिर दो दबाएंगे, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, इस प्रकार से सीक्वेंस बनेगा। और यहाँ पे बीच में हमारा जहाँ पे स्टार बनेगा वहाँ पे सीक्वेंस देखो, यहाँ पे एक दबाई, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात, अब नौ रस्सी दबा देंगे, लेकिन इसमें पांच उठाएंगे पांच दबाएंगे, इसमें सिर्फ पांच का सीक्वेंस चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर चार पाई बनाते हैं तो इसी प्रकार से एक बार ये ऑरेंज, फिर ये डालेंगे, फिर ये इस प्रकार से, फिर आपको इसके बाद में ये दो दस रस्सी हो जाएंगे, फिर ये आपको ये रस्सी वापस इधर ताड़ा में डाल दी जाएगी, फिर ये दस रस्सी डालेंगे दोनों कलर की, पांच ये फिर वापस ये कलर के डाल देंगे, तो इस प्रकार और वही सेम कलर आपको बनाए में लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों देखो आप टायर इसमें सीलेंगे, और टायर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे सीलते हैं। देखो सुइया की सहायता से इसमें होल काटते हैं, फिर ये टायर पे देखो इस प्रकार से धागा में लपेट के इसमें डाला जाता है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो रस्सी भी स्क्रॉल कर सकते हैं, तो वो सब भी आपके ऊपर है कि रस्सी स्क्रॉल करना है या फिर ये आपको टायर लगाना है, ये आपके ऊपर। देखो ये सुइया है हमारा, आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, तो ये इसकी सहायता से ही ये इसमें निकल जाती है। ये चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ये मोटी थोड़ी अलग ली गई और इसके इस प्रकार से देखो प्लास्टिक खींच लिया जाता है रस्सी को, ये कर सकते हैं आप। इस प्रकार से पूरी इस मुड्डी में टायर पे आप लगा देंगे तो वो सभी आप देखेंगे, और पूरी मुड्डी कैसे बनी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें डबल आपको दिखेगा, एक तरफ आप देखेंगे तो इसमें स्टार दिखेगा और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बावड़ी दिखेगा। ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, यदि आपको बावड़ी बनाना है तो बावड़ी बना सकते हैं, स्टार बनाना है तो स्टार भी बना सकते हैं दोस्तों, दोनों चीज़ आप बना सकते हैं। या इसमें फूल बनाने हैं तो फूल बना सकते हैं, मैंने पर्टिकुलर फूल की चारपाई बनाई है तो वो आप देख सकते हैं। अब देखो इसके अंदर से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसमें आप अंदर से देखेंगे तो आपको बावड़ी नज़र आएगी दोस्तों। देखो यहाँ से होल निकाला जाता है इस प्रकार से सुइया की सहायता से, और फिर ये धागा इसमें डाला जाएगा दोस्तों। तो ये सभी आप देखिए और कोशिश कीजिए। देखो ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये पूरा देखिए आप, तो ये इस प्रकार की बावड़ी आप बना सकते हैं दोस्तों। तो ये आप बनाइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। चारपाई में बनाना चाहते हैं चारपाई में बना सकते हैं, इस मुड्डी में बनाना चाहते हैं मुड्डी में, या मुड्डा में बनाना चाहते हैं या पीड्डा में बनाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है दोस्तों किस में आपको बनाना है, तो वो बहुत ही सिंपल आसानी से बना सकते हैं आप। तो इस प्रकार से दोस्तों ये छोटी बड़ी मुड्डियाँ बना सकते हैं। देखो छोटी, फिर उससे बड़ी है, थोड़ी इससे बड़ी बना सकते हैं, या फिर ये बड़ा वाला डोकों से मुड्डा है ये बना सकते हैं। तो ये सभी आप हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये कैसे बनाई करते हैं वो भी मैंने पर्टिकुलर्स बताया है, कैसे स्टार्टिंग करते हैं वो भी बताया है, तो वो चैनल पे विजिट करेंगे तभी आपको पता चलेगा दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर मैंने प्लेलिस्ट ही बनाई है, तो उसमें जाकर आप देखिए और समझिए दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा किस पास बनाई करती है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप उससे बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।